सो हाई एवरी वन, दिस साइड भव्य धनेजा फ्रॉम माई ब्रेफ वे, एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर आई पी मैट इंदौर एग्जाम 2022। तो कल आपका इंदौर का एग्जाम है, एंड आई नो अगेन आपको टेंशन हो रही होगी। इवन तो बहुत लोगों ने अभी आई एम रोहतक का एग्जाम भी दिया था, कुछ का अच्छा गया है, कुछ का मे बी नहीं गया हो, लीव दैट असाइड। अब आपको फोकस करना है अपने आई एम इंदौर के एग्जाम के ऊपर, जो कि आपका कल है। छोटी मोटी टिप्स आपको बताऊंगा। मैं लास्ट वीडियो में बात करी थी अबाउट आई एम रोहतक से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, हाउ यू हैव टू थिंक, बट अगेन आई विल रीइटरेट एवरीथिंग एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे और ऐड करूंगा फॉर आई एम इंदौर। देखो, एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि दो स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अंदर हो सके दोनों की प्रिपरेशन बिल्कुल सेम हो, ठीक है, लेकिन फ़र्क केवल कहाँ पे आता है, उनके आउटलुक के अंदर। एक हो सकता है पॉजिटिव हो एग्ज़ाम को लेकर कि मैंने जो पढ़ के आया हूँ उसको मैं अच्छे से करके आऊँगा, एक हो सकता है नेगेटिव हो, ठीक है। नेगेटिव हो क्या करेगा, उसको डर लगेगा, एंशियस होगा, टेंशन होगी, एंड उस चक्कर में वो आंसर्स गलत करेगा। एंड बिलीव मी, एक या दो क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो सिली मिस्टेक में, एंशियसनेस में, तो वो आपकी रैंक को बहुत हेविली इफेक्ट करते हैं ऐसे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम आने वाला है। एक क्वेश्चन जो लाइफ आप सबको पोस्ट करती है, भले ही वो आप हो या कोई और आपका एग्जाम देने जा रहा हो, आपका फ्रेंड हो, सबको एक क्वेश्चन और मिलता है, वो है इस दिन की टेंशन। अब इस दिन की टेंशन को भी, जैसे आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसको भी एक चैलेंज मानो। ये जो टेंशन है ये सबको हो रही है इस वक्त में, ठीक है, लेकिन जो इस टेंशन के पास निकल गया, जिसने अपने माइंड को फोकस रखा, एंड जिसने कल जाके जो भी अपना पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उतना अच्छे से दे दिया, तो वही जो स्टूडेंट है वो आगे निकल पाएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हमें डर लगता है एंड हम गलती कर देते हैं उसके अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, मैंने आपको हर वीडियो में गिनवाया है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, उसके अलावा और क्या मिस्टेक करते हो आप लोग, आंसर सही निकाल के गलत आंसर मार्क कर दिया, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। एंड जब आपको बाद में चेक करते हो, बाद में सोचते हो, तो आपको याद आता है कि यार मैंने वो आंसर गलत मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स की गिल्ट से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट होती है बिकॉज आपने सब कुछ सही भी किया लेकिन फिर भी आपने एक आता हुआ आंसर गलत कर दिया, ठीक है। ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना। अब ये तो एक आपकी जनरल बात होगी जो आपको अपना माइंडसेट को ठीक करने के लिए मेरे को आपको बतानी थी। एट दी एंड अगर मैं आपको बोलूं कि कल जब आपका एग्जाम है तो आपको वहां पे क्या करना है, तो आपको वहां पे केवल ये करना है कि आपने जितना पढ़ के आए हो उतना आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। What you have to do is that you have to first do the very easy questions. जो भी आपको लग रहा है easy questions हैं, पहले उनको करो। आपका जो confidence है वो बहुत बड़ा role play करेगा इस exam के अंदर, ठीक है। IPMAT इंदौर को लेकर एक बहुत बड़ा हुआ है कि बहुत difficult exam आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो भी एक थोड़ा सा confident रहेगा and इसको एक normal exam की तरह देखेगा, बहुत ज़्यादा उसको अपने पर हावी नहीं होने देगा, वो यहाँ पर उसको easily कर पाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ऐसा मान के चलो हमेशा कि आपके कई क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस ऑन द गुड थिंग्स। आपने जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसको करो पहले, फर्स्ट डू द इजी क्वेश्चंस, एंड जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसको एक रफ पैड पे अपना नोट डाउन करो, एंड उसको कभी देखना भी मत एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम बच रहा हो, ठीक है। अगर आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करने मत बैठना वहाँ पे, बिकॉज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन, एंड जब आप दोबारा भी आते हो क्वेश्चन देखने तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। बेसिकली तीन कैटेगरी में आपके क्वेश्चन डिवाइड होंगे, वेरी इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्ट वंस, जो आपको नहीं आते हैं उनको छोड़ देना, मीडियोकर वालों को सेकंड टाइम में देखना एंड ईजी वालों को फर्स्ट टाइम में कंप्लीट कर देना। अब इसके अंदर आपकी सेक्शनल टाइम लिमिट होगी तो यू विल हैव टू डू वन सेक्शन फर्स्ट, उसमें जो आपको नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, एक बार दोबारा सेक्शन को देखो वहाँ पे बिफोर योर टाइम लिमिट एंड्स, ठीक है। एंड वंस दैट इज डन तो आपको वो सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पे ध्यान से करना, एंड प्लस यहाँ पे आपके क्वांट्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, उसका लोग पूछते हैं कि भैया उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको शॉर्ट आंसर्स में बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, एंड आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे निकाल के वही आंसर जो आपका निकल के आया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। एमसीक्यू में फायदा क्या होता है, यू हैव अ फ्यू ऑप्शंस, तो अगर आपका आंसर थोड़ा आप एस्टिमेट यूज़ कर सकते हो मे बी कहीं पे, एंड आप थोड़ा बहुत आंसर से हेल्प भी ले सकते हो। शॉर्ट आंसर में दिक्कत ये आती है कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आप लोग वहाँ पे फंस जाते हो। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं आपके एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स के अंदर, ठीक है, केवल जो आपकी अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, राइट। सो फाइनली बिफोर गोइंग आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम दो, अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छी रखो, एकदम अपने आप को मेंटली फिट रखो ताकि आप कल के एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से वहाँ पे अपना अटेम्प्ट देके आ पाओ। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको एकदम यही अपने दिमाग से निकाल दो, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आए ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग गुड, ठीक है, अपने आप को
ढंग से याद दिलाओ कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ट्राई टू मेडिटेट, दो चार बार सांस लो अच्छी, बाहर जाओ घूमो एंड जस्ट ट्राई टू बी एज फोकस्ड एंड एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अपना कभी भी कोई नई चीज़ नहीं उठानी है आपने, कभी भी आपने कोई नया मॉक नहीं देना है। अगर आपने नई चीज़ उठाई एंड आपने मॉक दिया एंड मे बी आप किसी मॉक में अगर खराब नंबर आ गए, देन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ह्यूजली इम्पैक्ट होगा एंड दैट विल इम्पैक्ट योर स्कोर टुमारो ऑल्सो। ठीक है, आज क्या करना है, आज आपको केवल चिल आउट करना है एंड यू जस्ट हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज दैट यू फील कि मुझे शायद एक बार दोबारा भी उनकी जरूरत है। ठीक है, या फिर जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे काम करो। कभी भी इस वक्त में अपने जो कहते हैं ना कि वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम नहीं करना होता, वीक पॉइंट्स पे काम करना होता है, पूरे टाइम काम करना होता है, लेकिन पहले आज से 3-4 महीने पहले ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अच्छे रखते हो, आपने उनको वहाँ पे प्रॉपरली करके आते हो, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जाम। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, देखते हैं केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन्होंने कर लिए एंड कुछ चैप्टर्स वो छोड़ भी देते हैं, ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, सो फाइनली आज जब सोने जाओगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, एक अच्छा अपने मन में थॉट रखना कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है एंड उस हिसाब से अपना कल का एग्जाम देने जाना। प्रॉपर स्लीप लेना कम से कम 7-8 घंटे की। आज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि बोलते हैं कि भैया ये लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी एक ही बार आनी है, आज तो मैं इतना पढ़ लूंगा कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आज आप एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तो प्लीज़ अपनी एटलीस्ट नींद को कंप्लीट कर लो ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसको रिट्रीव तो कर पाओ वहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से वहाँ पे अपना एग्जाम देके आना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई एम वेरी श्योर कि जिन लोगों ने ऑनेस्टी से अच्छे से हार्डवर्क किया है, मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, पढ़ा हुआ है सिंसियरली, उनके जो सीट है या जो उनके मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, दे विल परफॉर्म वेरी गुड इन टुमारोज एग्जाम। बस ये जो लास्ट की एक आपकी जो मैंने आपको मेंटल चीज़ बताई है, अपने आपको इस मेंटल साइकोलॉजी को समझा देना कि यार ऐसा ऐसा होता है, आई नो एंशियसनेस होगी, हमें भी होती है, किसको नहीं होती है यार एंशियसनेस, किसको डर नहीं लगता है, लेकिन जो इस डर को पार कर लेते, कहते हैं डर के आगे जीत है, यार इस डर को पार कर लो, सब कुछ आपका सही हो जाएगा अगर आपने मेहनत कर रखी है अच्छे से। बिल्कुल टेंशन मत लेना, भूल जाओ कट ऑफ्स क्या हैं, ये है वो है, अपना बस जितना आता है उतना करके आना। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।